ब्रेडी फ्रिज जॉन मॉक्सली करेंगे अपने WWE में रिटर्न एंड साथ देंगे अपने भाई ट्राइबल चीफ रोमन रेंस का। आने वाले स्मैकडाउन लाइव में क्या कुछ होगा जानेंगे आज के इस वीडियो में, तो वीडियो को एंड तक देखना, चलिए वीडियो शुरू करते हैं। लेकिन आगे बढ़ने से पहले चैनल पर पहली बार सब्सक्राइब करके नए कंफर्टेबल कर दीजिए और बेल आइकन को जरूर दबाएं। तो जैसे कि आपको पता है SummerSlam 2024 में रोमन रेंस ने अपना डासू रिटर्न किया एंड अटैक किया सोलो सिक्वा के ऊपर, उसके कारण वो यूनिवर्सल टाइटल जीत नहीं पाए। और उसके बाद देखो स्मैकडाउन लाइव में रोमन रेंस ने अटैक भी किया था एंड गेस व्हाट, यहाँ पर जैकब फतू ने पीछे से आकर रोमन रेंस के ऊपर अटैक कर दिया था। बट यहाँ पर ट्विस्ट यह आ सकता है कि जॉन मॉक्सली और डीन एम्ब्रोस यहाँ पर WWE में अपना रिटर्न कर सकते हैं, साथ दे सकते हैं रोमन रेंस का, और वो कैसे चले ये भी समझा देता हूँ। देखो जैसे कि आपको पता है AEW में फिलहाल तो जॉन मॉक्सली ने अपना हील टर्न कर लिया और उनकी जो टैग टीम थी वहाँ पर ऑलमोस्ट वो तो ब्रेक हो चुकी है, और फैंस डीन एम्ब्रोस और जॉन मॉक्सली को WWE में काफी मिस कर रहे हैं, उनका रिटर्न करने के लिए वेट कर रहे हैं। एंड जो दरअसल जो कॉन्ट्रैक्ट था AEW के साथ जॉन मॉक्सली का, जो कि मल्टी ईयर का है, 2027 में खत्म होगा, लेकिन वो ऐसा कर सकते हैं जो कि अपने मर्जी से रिटर्न कर सकते हैं और रिलीज के लिए मांग कर सकते हैं। देखो आपको बता दूं यहाँ पर यह हो सकता है, जॉन मॉक्सली ने AEW के साथ ये डील की थी, जब भी मैं जाऊँ कंपनी को छोड़ सकता, कोई रोक टोक नहीं होगी। और जैसे कि आपको पता है CM Punk जैसे सुपरस्टार का WWE में रिटर्न हुआ है, ये तो काफी अनएक्सपेक्टेड था। एंड जॉन मॉक्सली ने WWE के लिए इतना कुछ कहा भी नहीं जितना CM Punk ने कॉन्ट्रोवर्सीज की थी WWE के, लेकिन जॉन मॉक्सली ने इतना कुछ नहीं कहा, और उसके लिए तो ट्रिपल एच ने कहा है कि उनके लिए तो द्वार खुले हैं, वो हमेशा WWE में आ सकते हैं, उन्हें कोई कुछ नहीं बोलेगा। और फिलहाल तो रोमन रेंस की फ्यूड चल रही है उनके फ्लेक ब्लड लाइन से, ब्लड लाइन 2.0 कह सकते हो। देखो स्टोरी तो ये कह रही है कि यहाँ पर ब्लड लाइन का रीयूनियन होगा, यानी जिमी उसो, जे उसो, रोमन रेंस उनके साथ सैमी ज़ेन हो सकता है। लेकिन यहाँ पर दूसरी तरफ से देखा जाए अगर इनका रीयूनियन नहीं होता है तो यहाँ पर जॉन मॉक्सली को बुला सकते हैं WWE वाले वापस, क्योंकि यहाँ पर शील्ड ही एकमात्र टीम है जो कि काफी ज्यादा खतरनाक रही है। एंड WWE ऐसा कर सकते हैं सेथ रॉलिंस, डीन एम्ब्रोस, रोमन रेंस की शील्ड को वापस रीयूनाइट कर सकती है अगेंस्ट यहाँ पर न्यू ब्लड लाइन। और जैसे कि पता है आपको कि जॉन मॉक्सली भी WWE में आ सकते हैं AEW होने के बावजूद भी, जैसे कि आपको पता है कि WWE वाले इंपैक्ट रेसलिंग के सुपरस्टार्स को भी बुलाती है रॉयल रंबल में एंट्रेंस कराती है, तो वहाँ पर एक अपीयरेंस के लिए WWE बुला सकती है, यानी एक फ्यूड के लिए बुला सकती है WWE शील्ड के लिए। एंड ऐसा हो सकता है कि जॉन मॉक्सली आ जाए रोमन रेंस के लिए, लेकिन फिलहाल तो रोमन रेंस की जो फ्यूड है वो ब्लड लाइन वर्सेस ब्लड लाइन ही होने वाली है मुझे लगता है, यही कंटिन्यू होगा। लेकिन फिलहाल के लिए यहाँ पर नेवर से नेवर चीज़ वाली अप्लाई होती है, कोई भी आ सकता है, कोई भी रिटर्न कर सकता है। WWE के प्लान जो फिलहाल काफ़ी अपर लेवल चल रहे हैं इस समय, जो क्रिएटिव है वो ट्रिपल एच है, यहाँ पर वो क्या कुछ खेल जाए हमें पता नहीं है। लेकिन यहाँ पर जो फिलहाल डीन एम्ब्रोस का रिटर्न सभी लोग एक्सेप्ट कर रहे हैं, होना भी चाहिए उनका आने वाले टाइम में। तो बस आज की वीडियो बस यही तक थी, अगर आपको वीडियो पसंद है तो लाइक करें, चैनल पर पहली बार तो सब्सक्राइब जरूर कर देना, बेल आइकन को दबाना, और बोला इंस्टाग्राम पर मुझे फॉलो कर सकते हैं, लिंक इन द डिस्क्रिप्शन। बस अब तक के लिए इतना, गुड बाय, टेक केयर।